संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे एम एन वेंकट सरैया। विधानसभा की द्वितीय बैठक कब हुई बता चुका हूं, पहली हुई 9 दिसंबर, दूसरी हुई 11 दिसंबर। काम क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधानसभा की तीसरी बैठक पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। ऑटोमेटिकली साथ साथ ही चलेगा, एक एक दिन छोड़ते जाओ और मीटिंगें तीसरी तक चलती रहेंगी। पहली में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरी में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विधानसभा की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष दोस्तों, उपाध्यक्ष की बात आएगी तो आंसर अलग होगा, उपाध्यक्ष तो एच सी मुखर्जी ही थे। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछें या दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष पूछें, आंसर होगा एच सी मुखर्जी। विधानसभा की किस बैठक में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, मैंने बताया था तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, करने वाला कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किया के कहां पे पेश किया गया, संविधान सभा, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 13 दिसंबर को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। इसको पास कैसे किया गया, सर्वसम्मति से, आम सहमति से, जनरल ओपिनियन से, कोई विवाद नहीं था, सब लोग सहमत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक के अंतर्गत कितने सदस्यों ने भाग लिया, पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207 ने। याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, 207 लोगों ने हिस्सा लिया था। विधानसभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, संविधान सभा में दोस्तों 15 महिलाएं थी, 15 वुमेन्स। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा की कुल 105 बैठकें हुई थी, याद रखना। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, अधिवेशन की बात आएगी तो आंसर आएगा 12। बैठकें हुई 105 और सेमिनार, मतलब सेमिनार कह सकते हैं इसको, हम अधिवेशन ही कहेंगे एक प्रकार से, कॉन्फ्रेंसिस 12 हुए। विधानसभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई, ऑटोमेटिकली दोस्तों किसमें हो सकती है, कौन से अधिवेशन में, किस अधिवेशन में दी गई, तो आपका आंसर होगा 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। किन राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ है वो पंजाब और केरला में बहुत बार हुआ है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की शुरुआत पंजाब में हुई थी, और सबसे लेटेस्ट की बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की तो 2016 में अरुणाचल प्रदेश में लागू हुआ था, 100वीं बार। जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है वो राष्ट्रपति शासन नहीं है, वो राज्यपाल शासन वहां पे अलग माना जाता है, 100वीं बार अरुणाचल में, 99 बार उत्तराखंड में, ये भी 16 में हुआ था, और अगर हम 98 में जाएंगे तो 2015 में दिल्ली होगा। किस आर्टिकल के तहत लागू होता है, 356 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, जो गवर्नर की रिपोर्ट पर लागू किया जाता है। आपातकाल के दौरान संसद निम्न में से किस सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधान बना सकती है, दोस्तों इमरजेंसी के दौरान संसद किस विषय पर कानून बना सकती है, पहले तो आप ऑप्शन है संघ सूची, संघ सूची में तो वैसे भी बनाती है, इमरजेंसी में तो बनाएगी। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वैसे भी राइट है और नॉर्मली तो फिर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वैसे भी दोनों अगर बनाते हैं तो समवर्ती सूची पर मान्यता सेंटर की ज्यादा होती है, इमरजेंसी में तो स्टेट होगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली होगा, राज्य सूची के ऊपर बना देगी, तो आंसर क्या होगा, सबके ऊपर, इस पे पहले बनता है, इस पे पहले मान्यता होती है, ऑटोमेटिकली इस पे और मिल जाएगा इमरजेंसी के दौरान, तो तीनों आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, आंध्र प्रदेश का प्रमुख आतंकवादी संगठन कौन सा है, आंध्र प्रदेश का प्रमुख आतंकवादी संगठन है पीडब्ल्यूजी, पीपल वार ग्रुप। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों इंडिया चाइना युद्ध के दौरान हुई थी, 26 अक्टूबर 1962 में। स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हैराल्ड मैकमिलन। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, किस व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री से सबसे पहले इस्तीफा दिया, आंसर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई। किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला, कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे लंबे समय तक पद पर काम किया, आंसर होगा बी डी जती।
राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे अधिक आयु में आसीन हुए? राष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक आयु में कौन सा व्यक्ति बैठा था? राष्ट्रपति के पद पर सबसे ज्यादा एज में व्यक्ति बैठा था आर वेंकटरमन, जिनकी एज 76 साल से ज्यादा ही थी, 272 या कुछ इतने दिन होगा, आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यानी सबसे ज्यादा एज इन्हीं के माने जाती है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी एंड कंपनी दूसरे बात की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? सबसे ज्यादा भारत के राष्ट्रपति दोस्तों आंध्र प्रदेश से आए हैं अब तक। किन राष्ट्रपतियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? दोस्तों पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों की मृत्यु पद पर रहते हुए है। जाकिर हुसैन तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर का कार्यकाल क्या था? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली लोकसभा का कार्यकाल क्या है, 52 से लेकर के 57 तक, और जीवी मावलंकर क्या थे, लोकसभा के पहले स्पीकर थे, तो पहले स्पीकर का कार्यकाल वही होगा जो पहली लोकसभा का होगा, 52 से 57 ऑटोमेटिकली। भारत की प्रथम महिला, पहली महिला केंद्रीय मंत्री का नाम बताएं? पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राज्यसभा का गठन दोस्तों यहां पे याद रखना आप इसको, राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80, लोकसभा का गठन आर्टिकल 81। आप पहले याद रखना, एक आर्टिकल 80 में है और एक आर्टिकल 81 में है। 80 में कौन होगा? जो उच्च सदन होगा, उच्च सदन होगा जिसे हम इंग्लिश में अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा, और 81 में लोअर हाउस होगा जिसे हम कहते हैं लोकसभा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र? दोस्तों रिपब्लिक तो मनाया है, डेमोक्रेटिक जरूर माना है हमने, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र माना, ना वंश के आधार का लोकतंत्र माना, या लोकतंत्र का राजनीति भी नहीं माना, राजतंत्र भी नहीं माना, यहां पे लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने माना है। इसमें आपका आंसर रहेगा डी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र भी है, क्योंकि हमारे देश की जनता क्या चुनती है, सरकार चुनती है। गणतंत्र भी है क्योंकि हमारे देश की जनता क्या चुनती है, देश के मुखिया को चुनती है। जब देश की जनता सरकार चुने लोकतंत्र, जब देश की जनता हेड ऑफ द कंट्री यानी मुखिया चुने गणतंत्र हो जाएगा। याद रखना है, देश की जनता लोकतंत्र होता है तो सरकार चुनती है, और अगर गणतंत्र की बात करेंगे तो मुखिया को चुनेगी। मुखिया भारत में प्रेसिडेंट होता है और सरकार भारत में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है। तो इस प्रकार भारत में दोनों ही चीजें जनता चुनती है, तो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुए, लोकतांत्रिक गणतंत्र हुए। दोस्तों आज की वीडियो में 75 वो क्वेश्चन लाया था जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, बार बार एग्जाम का हिस्सा होते हैं। ऐसी ही वीडियो कम से कम 8 से 10 वीडियो इसी सप्ताह के अंदर आनी है। कम से कम इससे आपको 800,000 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे पॉलिटिक के, जिनसे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं होता है। तो जिन साथियों को कोई भी डाउट रहा हो वो कमेंट मुझे कर सकते हैं। प्लीज आप कोशिश करें कि कमेंट की बजाय अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हम भी उनको कई बार नहीं देख पाते कमेंट्स वगैरह को। फिर भी अगर कोई मदद आपको